नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, कैसे हो? आपने हमारी किताबों को जो इतना प्रेम दिया, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। ये आपसे कमा के हम आप पे ही लगा देंगे किसी ना किसी रूप में। हाँ ठीक है, हम अपने लिए भी, हमारे लिए भी जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी ये है कि जो आएगा वो किसी ना किसी रूप में स्टूडेंटों पे हम लगाते रहते हैं। बहुत सारी और भी फैसिलिटियां देंगे हम आपको। और अब किताब कुछ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ बच्चे दूर दराज के हैं, कई जगह किताब की इतनी मांग है कि पैसे भी ज्यादा मांगने लग जाते हैं कई जगह। तो इस वजह से आज आज ही है, आज का मतलब आज कितनी तारीख है, आज ही है। अब वीडियो डला है ना आपका, आज तारीख कितनी है, 4 अक्टूबर। हाँ, आज ही 12 बजे तक सेल है। फ्लिपकार्ट पे जाके आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम में, और यहां भी दे दिया जाएगा डिटेल के अंदर। वहां से सीधा फ्लिपकार्ट पे जाके जिसको किताब लेनी हो वो ले लो, सारी किताब एकदम यानी दुकान से भी कम रेट के ऊपर है। चलो अब हम शुरू करते हैं, जिसको चाहिए वो ले लेना वहां से, क्योंकि किताब वही बात है, अभी नया मैटर तो पढ़ना पड़ेगा। अभी आरएस में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराना वाला रटते रहो। पूछेगा तो नया ही पूछेगा, वरना पुराने वाला चल रहा है। आपको एक बात पहले ही बोली थी मैंने कि जैसे उसे पता है कि बनास नदी का जिले बदले हैं, बाकी बनास का उपनाम वही है, लंबाई वही है, सहायक नदियों के नाम वही है, बांध वही है, बांध के जिले बदल सकते हैं। तो पेपर बनाने वाला अगर इस चीज से बाईपास होगा तो जो चीजें बदली उसको न पूछ के बनास नदी की कोर बात पूछ लेगा। लेकिन धीरे 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 पढ़ना तो आपको नया ही पड़ेगा, आगे अगर पूछा गया तो नया ही पूछा जाएगा, तो फिर पुराना क्यों रटोगे आप? तो नई किताबें तो पढ़नी है आपको। वो नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं कि हमारी बिकेगी, तो सबकी आ गई है मार्केट में, आप किसी की भी ले सकते हो। लेकिन अब पुराना जीके नए पढ़े, विशेष रूप से हिस्ट्री में ज्यादा बदलाव नहीं है, कल्चर में बदलाव है, ज्योग्राफी में बदलाव है, और जिला दर्शन भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो चीजें नहीं लेनी है फिर। चलो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके फर्स्ट एड के लिए बड़ा उपयोगी है, भले आप फर्स्ट एड करो, सेकंड एड कर रहे हो, एसएस कर रहे हो, एसआई कर रहे हो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री लगभग लोगों की कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है, वीक होती है। जैसे हम लोगों की हिंदी इंग्लिश वीक है, उसी हिसाब से वीक है। स्वतंत्रता संग्राम, नम्र एक बात बताऊं आपको कि आजादी जो है वो कोई एक दिन का काम नहीं है, एक साल से नहीं मिली, ना एक दिन की मेहनत मिली है और ना ही एक साल। जब हमें गुलाम होने में इतना समय लगा, अंग्रेज यहाँ आए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की, धीरे 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 बक्सर के युद्ध, प्लासी युद्ध जैसे युद्धों को जीतने के बाद धीरे धीरे, जब गुलाम होने में इतना समय लगा है तो छूटने में भी लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति कई बार आदमी मोटो हो जाए, पेट भर आ जाए, फिर वो बैठे बैठे प्लान बनाओ कि इसको मैं 10 दिनों में कम कर दूंगा, तो भाई जब इसे बाहर आने में भी 2 साल लगे हैं तो 10 दिन में वापस कैसे चला जाएगा? कम से कम 2-3 महीने तो लगे ही लगेंगे। तो जितना समय हमें गुलामी में लगा उससे आधे से आधा तो आजादी में लगे ही लगेगा। तो आजादी का संघर्ष एक बहुत लंबा संघर्ष है, और ये संघर्ष की जो शुरुआत होती है छोटी सी एक चिंगारी, वो कांग्रेस की स्थापना से होती है 1885 से, और वहां से शुरू होके 1905 तक बड़ी ही स्लो गति से चलती है, जिसमें बड़े उदारवादी सुदा सादा बूढ़िया सा जका जागे कहे साहब आजादी दियो नहीं, अच्छा ठीक है साहब काला जाओ, काल दे दिए तो आजादी है। ये वो लोग हैं इसमें शामिल, यानी उदारवादी नेता है, क्योंकि वो समय ऐसा था कि उनकी भी मजबूरियां थी उदारवादी, जिसे हमने एक नाम दे दिया कि ये हमारी आजादी का पहला चरण था, यानी प्रथम चरण। फिर दूसरा चरण जो शुरू हुआ वो 1905 से हुआ, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, साथ साथ में भले लिखते जाना, भले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा 1919 तक चला, जिसे हमने सीधा ही कह दिया दूसरो चरण। इसमें थोड़ा सा उग्र रूप आया, लाल बाल पाल जैसे नेता आए, विपिन चंद्र पाल, कुछ उग्र टाइप के आए, वो उग्र थे, बीच में कुछ और उग्र आ गए जिन्हें हमने क्रांतिकारी नाम दे दिया। ए तो बिना थापा मुंह की बात करेगी कोई, एकदम शांत रिक्वेस्ट वगैरह करेगा, आजादी दे दियो, आजादी मतलब आजादी की बात नहीं, कोई चीज हो चाहे उसमें रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, स्मरण करवाना, दोबारा कहते निधन काल काम को कहे, ये थोड़े ये कि कर, ये इतने खतरनाक है, करे कौन करे, बोल कौन करू, दो बेल दे, ए बम आवे, क्रांतिकारी, जिसे हम छोटा सा बीच में चरण शुरू होता है, जिसे हम तृतीय चरण भी बोल सकते हैं, बाकी हम इसमें भी शामिल कर सकते हैं, 1921 1920 21 इस समय में चलता है। फिर हमारा शुरू होता है एक सेपरेट चरण, जिसे हमने नाम दे दिया
चतुर्थ चरण, चौथो चरण जो एक प्रकार से गांधी जी से शुरू होता है, गांधी जी का लास्ट आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन तक चलता है, गांधी युग कह सकते हैं जिसे, जकर ब्रेणियो आपके हिसाब माने लताड़ गए आपको काम करना है, वो युग है गांधी युग, ठीक है। और फिर आवे लास्ट आजादी का चरण कह सकते हैं, आजादी की ओर कह सकते हैं, अंतिम चरण कह सकते हैं। गुरु जी यू का ही कर रहे थे, तो देखो टाबरो कोई अगर बहुत लंबी चीज है जैसे नदियां बहुत बड़ा चैप्टर, तो उसे छोटे छोटे बांट लो ना, इजी हो जाएगा। ये कितना लंबा पोर्शन है, 1885 से 1947, बहुत लंबा समय, इतना एक साथ तो याद हो नहीं सकता, इसीलिए हमने आपको फैसिलिटी दी है कि छोटे 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 चरणों में हम याद कर देंगे, बहुत इजी है, हम इसे बहुत प्यार से पढ़ेंगे। अभी तक ये स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा गुरु नोट्स पे जाके, आपको अलग से फाइल बना दूंगा मैं इसकी राष्ट्रीय आंदोलन नाम से, और पीडीएफ अलग से डलवा दूंगा मैं, ठीक है, इसकी पूरी, या टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है उससे भी आप कर देना, ठीक है। ये पहला चरण है, साथ में उतारो तो और अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास समय नहीं है डबल स्पीड में देखो इसे, कर दो काम। अब हमें द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म, सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो अठू थोड़ा पर्सन तो इतना कौन बने, लेकिन कोई चीज को टापरो कारण जरूर हो। जैसे मान लो कि पति पत्नी के बीच में तलाक हुई, या प्रेमी प्रेमिका के बीच में जुदाई हुई, विदाई वेग जुदाई, अच्छा जुदाई हुई, विदाई वो होती है जो कुछ समय के लिए होती है, जैसे दुल्हन की विदाई होती है, प्रेमी प्रेमिका की जुदाई होती है। सर हिंदी मत पढ़ाओ आप, हिस्ट्री में आने दो। देखो जैसे ही कुछ कहते हैं ना कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, जिस दिन ब्रेकअप हुआ आपको लग रहा होगा कि उस दिन हुआ वो बहुत पहले हो चुका था, लंबे समय से एक दो महीने हो चुके हैं, ये मान लो कि अब तो बस दिकापेली हो रही। यही बात पति पत्नी तलाक, कभी किसी एक बात को अचानक से तलाक नहीं होती, कोई छोटो मोटो मामलो आवे, पति जान दे गो पत्नी जान दे, समझाओगे कहीं कौन करे करे सही को नहीं है, समाज में अपन रहनो है, ऐसे चलते चलते फिर वो ससुरन कह गो कहे समझाओ थारी बेटी ने, या फिर अगर पति गलत है तो बा सासू ससुरान कहेगी कि थारो टाबरियो इश्यू है। एक लंबा समय होता है, ये नहीं है कि किसी एक घटना या एक दिन की वजह से किसी के बीच में तलाक हो गई। तो ये राष्ट्रीयता अगर हमें पनपी, क्या देश प्रेम ऐसे ही पनप गया? नहीं, देश प्रेम ऐसे तो नहीं पनपाए, किसी ने तो पनपाया। जैसे पुरानी फिल्में होती थी उसमें हर फिल्म में अमरीश पुरी को ठाकुर बना देते थे, लोग बड़े आनंद लेते थे, वाह वाह वाह, जबकि वो अमरीश पुरी ठाकुर बन बन के ठाकुरों की छवि खराब करती उसने। फिर एक वर्ग आया वो लोकल बनाओ थे, ये क्या तरीका है तुम्हारा, हमारी छवि खराब कर रहे हो, कि हम ऐसे थे क्या, ठाकुर सारे ऐसे थे क्या? बोले बात तो सही है, जैसे हमारे धर्म के बारे में फिल्में बनती थी, हमारे धर्म के बारे में कुछ भी दिखा देते थे, अब एक बायकॉट गैंग आई बोले अब कई बार हमारे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ, ये हमारे अंदर कब आई, ये अभी आई। आप पुरानी फिल्में देखोगे उसमें ऐसी चीजें नहीं थी, वो कुछ भी बोल देते थे किसी जाति के किसी धर्म के बारे में, हम लोग इंजॉय लेते थे उसका। लेकिन ये पनपी सोशल मीडिया की वजह से, कुछ लोग एक्टिव आए उनकी वजह से, तो जो आजादी हमारे अंदर देश प्रेम की भावना, क्योंकि गुलामी हमारे जहन में थी और शुरुआत हुई गुलामी तो रही है हमेशा, राजा महाराजाओं के, कभी सल्तनत के, कभी मुगलों के, कभी मौर्यों के, कभी गुप्तों के, किसी कभी अंग्रेजों के, गुलामी तो रहे हमारे अंदर, गुलामी ठहरी हुई थी, स्थाई है कि हम होंगे, हमारा कोई राजा होगा वो हमारा शोषण करेगा, फिक्स था दिमाग में पहले से फिक्स है। लेकिन बात आई कि नहीं नहीं हम में से कोई चुनेगा जाएगा और वो राज करेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं बाप बेटो बनो, वो भावना कहां से आई? तो उसके मेन मेन हम पॉइंट देखेंगे, आप सिर्फ इनको समझना, कोई काम की बात आई तो हम देख लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीयता पनपने का कारण है सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक व धार्मिक सुधार। मैं थोड़ा टॉपिक लंबो नहीं खींचे, एक खाता थोड़ा जल्दी जल्दी भी मैं बताऊंगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद ही बता दूंगा आपको, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक बहुत सारे सुधार, जिनमें राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, विवेकानंद जी है, ये लोग आए, इन्हें आपको बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो सीधा सा बोल दिया था, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति। अब देखो हमें पता ही नहीं था कि स्वराज्य होता क्या, स्वराज्य का मतलब हमारा राज्य, आजादी। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? दयानंद सरस्वती। पहली बार पता ही नहीं था आजादी भी ऐसी भी होती है क्या, और पहली बार दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भारत
भारतीयों का, भारत भारतीयों का ही होना चाहिए, लोगों को ये चीजें बताई, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे। विवेकानंद जी तो विदेश गए हुए थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने वहां के लोगों की आजादी देखी थी, वो चीजें यहां आके बताई। इससे लोगों में, अब आप ध्यान रखना, आपको अलग से करवाया जाएगा, आपके फेस्टेड में भी ये टॉपिक लगता है, हर एग्जाम में लगते हैं। आपको दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद में अलग से करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 19वीं सदी में कुछ लोग आए, तो यहां से भी कोई प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है कि दयानंद सरस्वती जी ये लोग, बस एक कमेंट याद रखो तो रख लेना सरस्वती जी का, मैं सिर्फ सरस्वती जी लिख रहा हूं क्योंकि फिर लिखने में ज्यादा समय लग जाता है। भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, ये थोड़ा सा कम है। यानी सामाजिक सुधार में कुछ लोग आए जिन्होंने लोगों को बताया, अगर आजादी नाम की भी कोई चीज हुए, खुली हवा में फिरनो भी एक चीज हुए, कट्ठे गुलामी का दो मोरिए का अनुचाल तारे और राजा महाराजा इनको हटाओ, स्वराज्य स्थापित करो, किसी भी चीज में जन जागृति का अहम रोल हमेशा ही किसका रहा है, पत्र पत्रिकाओं का, टीवी का, समाचार पत्रों का। आज तो सोशल मीडिया का हो गया, आज आप अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि आज कम, लेकिन फिर भी अखबार में जो आ गई वो आज भी स्टीक है, आज भी प्रमाणिकता है, आज भी लोगों का विश्वास है और अखबार जो चाहे वो कर सकता है। तो समाचार पत्र व साहित्य साथ साथ में लिखो तो लिख लेना क्योंकि साथ में बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लिखो तो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक, आपकी मर्जी। इन चीज को टावरो, साहित्य, आपको पता है हर एग्जाम में साहित्य का एक प्रश्न आता है, जैसे अभी आरएस में भी आया था, बिसल देवरासो आया था या विग्रहराज, बिसल देवरासो ही पूछा था शायद, बिसल देव का कोई क्वेश्चन था रासो। साहित्य पढ़ने से व्यक्ति विद्वान बनता है। तुम लोग कह भले ही तो मैं बुद्धिजीव विद्वान नहीं, तुम अगर साहित्य पढ़ते हो तो ही विद्वान हो। प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ा होगा कभी, कफन, बहुत सारी उनकी कहानियां है, जब वो पढ़ते हो तो विद्वान माना जाएगा, वरना क्या है। इसीलिए साहित्य का एक प्रश्न पूछता है, कभी पूछ लेता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, कभी पूछ लेता है पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य कौन सा किसने लिखा, बहुत बार पूछता है। साहित्य से व्यक्ति बुद्धिजीवी होगा। समाचार पत्र लोगों को जागृति लाते। अगर मैं बात करूं उस समय 1870 की, जब ब्रिटिश भारत था 1870 में, तो 2650 पत्र पत्रिकाएं निकलती थी उस समय, यानी 1870 में 650 पत्र पत्रिकाएं निकलती थी। उस समय क्या हो तो एक पत्रिका गांव में कोई मंगा तो सह गांव आ रहा, आगे भी सुन किया जाता या फिर भी पढ़ किया जाता। 20 साल पहले तक यही चीज थी। और उसी समय समाचार पत्र और साहित्य, यानी गाना वो आदमी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप कोई सैड सॉन्ग सुन, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया गरे यार का, बेकदरों से करके प्यार कदर गवाई दिल की यार, ये सैड सॉन्ग सुनोगे भले आपकी गर्लफ्रेंड ना हो तो भी आप दुखी हो जाओगे, ऐसे लगेगा आपको कोई छोड़कर चली गई जबकि गर्लफ्रेंड तुम्हारी थी नहीं। अब लगाओ एक बढ़िया डांस वाला गाना, आप खुद ही नाचने लग जाओगे, अगर नाच नहीं आ रहा तो बैठे बैठे पैर लान ला जाओ। क्यों क्यों? क्योंकि इनका गानों का आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति पे पड़ा। फिर लगा दो संदेश से आते, आदमी के अंदर देशभक्ति भावना जाग जाएगी, बॉर्डर फिल्म आ रही, किससे, इनसे। वंदे मातरम लिखा बकीम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम, आपको पता है गाना बहुत प्रभाव पड़े। प्राचीन समय में आपको पता है अंग्रेज क्या करते थे, आलाखंड सुना के और हमारे फौजियों को युद्ध भूमि में भेजते थे। आज भी थान महाराणा प्रताप भी चार पांच जय बोल के थारी आपको ला गए तो काट दिया सो क्यों, क्यों, क्योंकि गानों से प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के। सैड सॉन्ग सुनोगे तो दुखी हो जाओगे, भजन सुनोगे, भजन सुनोगे तो आप में धार्मिकता आएगी, डांस वाला सुनोगे तो वैसी भावना होगी, और देशभक्ति सुनोगे तो देशभक्ति की भावना जनपेगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाटकों ने बहुत प्रभाव डाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप साहित्य में जब पढ़ोगे तब इनका नाम जरूर सुनने को मिलेगा। और सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश, लेकिन इंपॉर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, सरस्वती जी, मैं पूरा नाम नहीं लिखे, दयानंद सरस्वती जी लिख देता हूं तो आप समझ जाओ। यानी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना किस प्रकार पनपी, सामाजिक धार्मिक सुधारों पनपी, समाचार पत्र पत्रिकाओं पनपी और के पनपी। और विदेशों में कुछ घटनाएं हुई,
यानी अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया, कौन सी शिक्षा दी, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, और साथ में अंग्रेजी शिक्षा देता ही विदेशी घटना। अब जिया मान लो चाइना को अखबार थार कनारे के लिखे रहे थार के समझ में आओगे भाई, गुरु जी की बोल समझ में चाइना को इतिहास है। अब चाइनीज थानाती वे तो अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया तो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जैसे ही हमें अंग्रेजी आई हम विश्व के बारे में जानने की सोचने लगे, और इसी कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776, उस चीज का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा कि अमेरिका आजाद हुआ है तो हम भी हो सकते हैं। फ्रांस की महान क्रांति हुई 1789, बोल वो महाक्रांति हो सकती है तो यहां भी हो सकती है, यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776, फ्रांस की क्रांति, भाई लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। नौकरी का चलन इसलिए आया, जब आपके पड़ोस में कोई लगता है तो आपको ज्यादा होती है, वो लाख के तो मैं भी लाख हूं, कोई नहीं लागे बोले नारे लागिए करेगी आदमी आज सोचे, तो वही बात यहां, अरे वो कर सकते हैं तो क्रांति हम भी कर सकते हैं। इस वजह से लोगों में देशभक्ति की भावना है, वाह सर क्या बात है। और क्या हुआ, प्रजातीय विभेद, यो किया गुरु जी समझना है, बस थाने टेंशन लेने की दर ही जरूरत को नहीं है। प्रजातीय विभेद के वह काड़ा गोरा, मान लो कि क्लास में कोई टाबर है जो काड़ो ज्यादा है, मैं कह दू छोरा काड़िया इतने तो बोरी इसको माने कोई बात नहीं, काड़ो है मान लो, वो समायोजन कर ले यार काड़ो हूं कह दिए काड़ो तो हुई, मैं आ कह दू तू काड़ो है अट पानी नहीं पिए, तेरे खातर अलग पानी बेचता है, तू काड़ो है क्लास में बारह बैठा नहीं छोरा गोरा छोरा काड़ा पड़ जाएगा, और फिर मैं लिख दू काड़ो का ऑफिस में प्रवेश वर्जित, तब उसके हीन भाव, काड़ा तो आप हाँ अंग्रेजा मुकाबले काड़ा हाँ आप देखो माननी पड़ेगी, लेकिन इसके आधार पर हमें यह कह दे तुम तो देसी हो, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी, देसी की फैन दुनिया सारी कह देसी एकदम देसी गमार, इंडियंस एंड डॉग आर नॉट इंटर्ड, होटल के आगे लिख देते थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कौन चढ़ने देता, लो इतनी बेइज्जती गलत बात है थारी भैया। अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश कौन सुन सके, भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकते, लियो आ तो गौर बेचती। अब थे बताओ अंग्रेजों अंग्रेज सुनो जाओ, अंग्रेज और भारतीय ने अगर समान अपराध किया है सजा न्यायाधीश की, यार गलत बात है, तो हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है। इस वजह से हमारे अंदर आया कि यार बहुत माड़ी हो रही है अपने सागर, अंदर थोड़ी सी विरोध की भावना है। फिर आता है लॉर्ड लिटन का शासन, नाम सुने रहेंगे लिटिया, ऐ मैं बता रही हूं लोग देशभक्ति भावना की आई। इस बंदे ने देश में भयंकर अकाल चल रहा था, तो क्या बात है अब इन लिया उनसे दावा नहीं, देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जैसे मान लो कि देश में कोरोना माहौल जैसा हो और हमारा प्रधानमंत्री पार्टी करे तो क्या होगा, भयंकर विरोध हो जाएगा इसका, वही बात है देश के अंदर अकाल, और अकाल के तहत ये दिल्ली दरबार लगा के पैसे वेस्ट कर रहा है, लोगों को खाने को नहीं है, मर रहे हैं लोग, दिल्ली दरबार लगा रहा है ये अकाल के बीच में, महारानी खुश करने में लाग रहे हो, और इसने जन आंदोलन समाप्त करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सर यो किए, अभी बता देंगे क्या है, कब है 1878, बस इतना याद रख लेना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब, लगभग प्रेस बंद कर दिए, किन की नाम देगी किन की करगी, वर्नाकुलर प्रेस ये इसे 1800 के लॉर्ड लिटन ने, वैसे तो रिपन ने रद्द किया था, थोड़ा सा ध्यान रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और क्या करियो, आज राजस्थान पुलिस की मिनिमम एज है 18, फिर भी बहुत कम बंदे लगते हैं, आईएएस की मिनिमम एज है 21, अब आप बताओ मिनिमम है ये, मैक्सिमम तो 28 30 32 तक है, ठीक है ये तो मिनिमम है 21, फिर भी भारत में गिने चुने लोग लगे हैं आज तक 21 साल के, उस समय की परीक्षा
और अधिकतम उम्र 21 से घटा के बेटा 19 कर दी। और राव बेटेगा बाप अधिकतम 1877 में अधिकतम आईएएस मतलब उस समय आईसीएस बोलते थे, आज हम आईएएस बोला गुरुजी अधिकतम इतनी अपा तो 18 साल का जागे तो उस समय तो 25-25 साल का छाना को नहीं था कच्चो फिर के फिरता। और उस समय उसने क्या किया क्योंकि आईसीएसई परीक्षा करे ऊंचे औहदे पे भारतीय बैठने लग गए इंटेलिजेंट जल्ला गयो के इनको रोको बोल क्या तरीका है एज और कम कर दियो। यानी इस बंदे ने आईसीएस की उम्र अधिकतम यानी 21 से कम करके 21 से 19 कर दी। बोलो ज्यादा हुई बोले इंग्लैंड में लगाओ थर पेपर अब बताओ क्या करे। और फिर लेके आया शस्त्र एक्ट आर्म्स एक्ट, आप हथियार नहीं रख सकते अंग्रेज रख सकते हैं। ऐसे करके इसने कई कार्य किए लॉर्ड लिटन ने, इस वजह से भी भावनाएं जो है इसके विरोध हो गई। ठीक है अगला पॉइंट अगर देखें परिवहन और संचार साधनों का भी डाक तार आदि का भी क्रांति के अंदर अच्छा रोल रहा राष्ट्रीयता के अंदर अच्छा। एक है इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद यो का ही है इल्बर्ट बिल विवाद। ये वाइसराय का कानूनी सदस्य था सीपी इल्बर्ट जिसने 1883 में पेश किया था ये सीपी इल्बर्ट। ठीक है इसमें क्या किया अंग्रेजों के अपराध भारतीय जज भी सुन सकते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद अंग्रेजों के अपराध भारतीय जज भी सुन सकते हैं। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया भारतीय स्वागत किया वाह वाह यार इल्बर्ट निहाल कर दिया यार अब म्यान बता दिया क्योंकि थोड़ी बहुत बात हुई केस करे भारतीय भारतीय सजा सुनाओ 5.5 साल की दे दो 4 साल की दे दो। अंग्रेजों की समस्या आ गई अंग्रेजों ने इसका विरोध किया बोल के एक मरवा होगा ईमान अंग्रेजों ने विरोध किया भारतीयों ने स्वागत किया वाह के बिल ले गया भाई जी इतो जोर को बिल है चूसो बांट दो चाहिए इल्बर्ट बिल विवाद। बाद में नियम बदला फिर ये कहा कि सुनवाई में आधे जज क्या होंगे अंग्रेज होंगे। यानी क्या लिखूं लिखूं अंग्रेजों अपराध भारतीय जज सुन सकते थे याद रखियो टावरो सागे सागे पढ़ता जाइयो ए नोट्स बाद में बना लियो डाल दिया जाओगा बाद में बना लियो सागे सागे पढ़ता रहियो फिर इनको टेस्ट भी लूंगा मैं। ठीक है अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं दोबारा रिपीट मारता हूं आज थोड़ा सा समझाया है मैंने आपको फिर हम नए सिरे से इसे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे साथ साथ कोई जल्दबाजी नहीं है आधे पूर्ण घंटे की क्लास आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के चरण है 1885 मेरे साथ रिपीट मारो एक बार बच्चों 1885 से 1905 1905 से 1919 पहला चरण दूसरा चरण क्रांतिकारी तीसरा पूर्व गांधी युग है और फिर आजादी की ओर फिर हमारे अंदर आजादी की भावना राष्ट्रीयता की भावना कैसे जन्मी हमारे अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार में राजा राममोहन दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों का नारा किसने दिया सरस्वती जी। समाचार पत्र और साहित्य का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी वगैरह और चीजें लिखी अंग्रेजी शिक्षा से हमने विदेशों की जानकारी ले ली हमारे अंदर राष्ट्रीयता आई। फिर हमें काले गोरे का भेद करते थे जो हमें कतई पसंद नहीं था इसलिए हमने सोचा इन गोरों को बाहर फेंको। फिर लॉर्ड लिटन ने ऐसा शासन चलाया कि वर्दाकुलर प्रेस एक्ट है आईसीएस की परीक्षा है इस वजह से। फिर इल्बर्ट बिल विवाद सीधा सा क्या है इल्बर्ट बिल विवाद सीधा 1883 सीधा सीधा है कि भारतीय जजों से संबंधित है। ठीक है फिर है कांग्रेस वहां से इंपॉर्टेंट पार्ट कल शुरू होगा इसकी पीडीएफ आपको ऐसे की ऐसे गुरु नोट्स पर मिल जाएगी। ठीक है थैंक यू।